की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। परिषद सभापति के लिए पूर्व उपसभापति बबलू शाह की भाभी संगीता देवी चुनावी मैदान में है और आप देख सकते हैं उनका ये काफिला निकला हुआ है जो नामांकन करने के लिए जा रहा है। सिवान शहर के डीएबी मोड़ से ये काफिला निकला है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, सुधीर जायसवाल भी है, उनसे भी बात करते हैं क्या कहेंगे बबलू शाह जो नगर के उपसभापति भी रह चुके उनकी भाभी चुनावी में। चलते हैं चुकी दो बार से नगर में ये पार्षद रह चुकी है और इनके देवर बबलू शाह जी उपाध्यक्ष के पद पे रह के और उन्होंने सिवान नगर का विकास कराया है, ये सिवान की पूरी जनता जानती है। आज उन्हें के उनके अथक प्रयास से और समाज के अथक प्रयास से संगीता देवी को हम लोग चेयरमैन के पद पर हम लोग प्रस्तावित किए हैं और उनका अपना नेता बनाने के लिए शहर का विकास हो सके। एक सुधीर जी एक आम सवाल है बीजेपी के, कहता है बीजेपी से दो दो प्रधान में अनुराधा गुप्ता भी चुनावी में, बीजेपी क्या बबलू शाह को समर्थन दे रही है? नहीं देखिए बीजेपी का कोई मतलब नहीं बनता है, चूंकि चुनाव निर्दलीय हो रहा है इसलिए प्रत्याशी के एक विश्वास पर डिपेंड करता है, यहाँ पार्टी का कोई बात नहीं है, जनता जिसके पक्ष में होगी मत उसी को मिलेगा। संगीता जी भी है उनसे भी बात करते हैं। संगीता जी आपके नामांकन में काफी भीड़ उमड़ी है, क्या कहेंगे बबलू? मेरे आज मैं संगीता देवी सिवान नगर परिषद क्षेत्र से चुनाव चेयरमैन मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ रही हूँ और अपनी सिवान की समस्त जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि वो मुझे भारी मतों से विजयी सभापति पद के लिए विजयी बनाए, ताकि मैं वचन ही नहीं वादा संकल्प करती हूँ कि मैं सिवान को सुंदर स्वच्छ बनाऊंगी, उनके मान सम्मान अधिकार को कभी कम नहीं होने दूंगी और सिवान की जनता आज हमारे साथ सभी बहुत बने भीड़ है। जो भीड़ दिख रहा है क्या माना जाए, जनता आपको आशीर्वाद दे चुकी है? हाँ ये सिवान की सभी सम्मानित जनता का हमें कन्वे की आशीर्वाद प्यार और स्नेह मिल रहा है, सभी जाति और धर्म समुदाय का धन मिल रहा है और ये चुनाव बिल्कुल आप देख सकते हैं देवी के नामांकन में एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है, पीछे बबलू शाह भी है परिषद के उप सभापति, बबलू शाह को एक हिंदूवादी मोर पे जाना जाता है और बीजेपी के एक दावर नेता भी रहे हैं, काफी अच्छी पकड़ भी है, युवाओं अच्छी पकड़ है, एक जन सैलाब हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि भी संख्या है और ये बबलू शाह के जो काफिला है बबलू शाह की भाभी चुनावी मैदान में है, तस्वीरें देख सकते हैं, हिंदूवादी नेता के रूप में जाना जाता है इनकी भाभी चुनाव, सीधे इनसे बात करते क्या कहेंगे जिस तरह से जन सैलाब दिख रहा है। सिवान की जनता का प्यार है, सभी लोग मेरे साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चले हैं, लोग मैं भी इन लोगों के साथ कदम से कदम मिला चला हूँ, बार सभी लोग का प्यार हमको मिल रहा है, नॉमिनेशन करूँ चुनाव चिन्ह लेके आऊंगा, सभी का फिर आशीर्वाद लूंगा, मैं 100% चुनाव जीत रहा हूँ। नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा रहा है तो क्या माना जाए, जीवन यादव ने नारा दिया है भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, आप क्या? सिवान की जनता भ्रष्टाचार को जानती है लोग और जो धन बल का इस्तेमाल करते हैं उसको भी जानती है, इस बार जनता उनको बहुत दूर फेंकेगी, ना धन बल का काम करेगा ना भ्रष्टाचारियां रुकेंगे, क्या कहेंगे इतनी सारे जन समर्थन जो दिख रहा है। इनकी जनता से एक हाथ जोड़ का विनम्र निवेदन है कि वो एक कदम चले, मैं उनके साथ 10 कदम चलूंगा, अपना वोट देकर जिताए, सिवान शहर का विकास मैं करके दिखाऊंगा। बीजेपी के एक अच्छे नेता के रूप में आप जाने जाते हैं, सुधीर जायसवाल भी पहुंचे हुए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अनुराधा गुप्ता जो जिला उपाध्यक्ष है वो भी चुनावी मैदान में, पार्टी बेस पर चुनाव नहीं हो रहा है, जिसका अपना पकड़ है वो चुनाव जीतेगा, मेरा लोगों से प्यार मिल रहा है और सारे पार्टी के लोग हरेक पार्टी के लोग मेरे साथ, प्यार मेरे साथ। मुद्दा क्या रहेगा, प्रमुख मुद्दा रहेगा सिवान शहर में जितने भी जल जमा होते हैं उसको मैं खत्म करूं, ग्रैंडिंग जोन बनाऊं, एक बच्चों के लिए पार्क बनाऊं, के लिए जिम बनाऊं ओपन जिम और जितने भी नाली जो है उसको निर्माण करूं। पहले भी आप उप सभापति रह चुके हैं लेकिन उस समय वार्ड पार्षद ही चुनते थे जिसके कारण आपके साथ खेला हुआ, अब क्या लगता है जनता चुन रही कितना? अब जनता जनता वही तो जनता भ्रष्टाचारियों को
भ्रष्टाचारियों को जनता लात मारेगी और भ्रष्टाचारी दूर जाएंगे। धन बल का कोई काम नहीं होगा, धन बल का पहले काम हुआ करता था, अब नहीं होगा। और 100% जनता मेरे साथ। क्या अपील करेंगी सिवान की जनता? बस सिवान की जनता से अपील करता हूँ कि एक बार आप मेरे साथ दीजिए। सिवान का जनता मेरे साथ रहती है, आप मेरे साथ रहिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। हेमंत कुशवाहा जी भी लाए यहाँ पे है बबलू शाह के समर्थन में, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कहेंगे? ये जनता के बबलू शाह जी के हम मित्र हैं, पुराने मित्र हैं। नौजवानों की अंगड़ाई परिवर्तन की लहर लाती है। इस तरह लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। ये भीड़ ने दर्शाती है बबलू शाह चुनाव इसमें भारी मतों से नौजवानों की अंगड़ाई परिवर्तन की लहर पैदा करती है, लहर पैदा करती है। गोविंद बासु भी है जो सरकार रह चुके हैं, अब राजनीति के क्षेत्र में आ चुके हैं, क्या कहेंगे बासु जी? सचिन भाई, हम एक बात कहेंगे कि अब जनसलाब देख लीजिए बबलू शाह जी के साथ। ये पैसा पर आया हुआ जनसलाब नहीं है, ये बबलू शाह जी का प्यार है कि जो लोगों को घरों से खींच लाइए। और सिवान का नक्शा बदलेगा जब बबलू शाह जी कुर्सी पर बैठे। बीजेपी ज्वाइन किए हैं, युवा नेता आप के रूप में छवि है, तो बीजेपी से अनुराधा गुप्ता भी चुनावी मैदान में, बीजेपी के वोटर कहाँ जाएंगे? बीजेपी से बबलू शाह जी भी हैं, बीजेपी से बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये पार्टी विशेष चुनाव नहीं है। और जहाँ पार्टी विशेष की बात आएगी वह पार्टी तय करेगी, लेकिन आपने अनुराधा गुप्ता का नाम लिया है, वहाँ से बबलू शाह का भी आप नाम लीजिए। बिल्कुल, और आप तस्वीरें देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जगह जगह बबलू शाह का स्वागत किया जा रहा है। युवा नेता के तौर पर लोग इनको जानते हैं, हिंदू नेता के रूप में इनकी छवि है। और लगातार जो ये विधानसभा की भी तैयारी कर रहे थे, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एक हिंदू नेता के रूप में काफ़ी मजबूत नेता के रूप में जाना जाते हैं। सिवान शहर में युवाओं में इनकी अच्छी पकड़ है, और आज बबलू शाह की भाभी का नामांकन है। और आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि उन संगीता देवी का जो चुनावी रैली है, चुनावी सभा है, वो निकला हुआ है सिवान शहर के डीएमी मोड़ से निकला हुआ है और सीधे समाहरणालय पहुँचेगा जहाँ पर ये सभा खत्म होगा, और वहाँ पर बबलू शाह की जो भाभी है संगीता देवी वो अपना नॉमिनेशन करेगी। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, सबसे मजेदार चीज़ यहाँ बबलू शाह का रैली और पीछे जीवन यादव की भी रैली, दोनों रैली एक साथ है। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। बिहार न्यूज एक्सप्रेस लगातार आपको क्या कहेंगे बबलू शाह के चुनावी रैली में निकले हुए हैं, काफी भीड़ दिख रही है, क्या कहेंगे? हम बबलू भैया सपोर्ट करने आए हैं, बबलू भैया सपोर्ट करने आए, भीड़ के साथ साथ मतलब उनकी रैली को आगे बढ़ाने आए हैं। क्या लगता है? मेहनत कर रहे हैं, जीतेंगे। करते हैं क्या क्या विकास तो करेंगे, जीतेंगे तो विकास में वो तो काम करेंगे, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, युवाओं में भी एक खासा उत्साह दिख रहा है, और बिहार न्यूज एक्सप्रेस लगातार आप दिखाते रहेगा। अगर चैनल को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।